कंगना रनौत रिसेंटली अपने परिवार के साथ अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची और उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। लेकिन लोगों ने उन्हें किया है स्लैम। दरअसल सोशल मीडिया पर यूजर्स को लग रहा है कि कंगना रनौत फार्मर्स प्रोटेस्ट के मुद्दे के बाद अब सिखों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या कहना है यूजर्स का, डालिए कमेंट्स पर एक नज़र। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रहे एनसीबी ने दिवंगत एक्टर के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब रविवार को सुशांत के हाउस हेल्प रहे केशव और नीरज को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन दोनों से भी एनसीबी अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई, जिसके बाद अब इस केस में सच सामने आने का फासला बस कुछ ही दूर है। सलमान खान के राधे फिल्म रिव्यू कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर चल रहे विवाद में रिसेंटली KRK और सिंगर मीका सिंह ने एक दूसरे पर तंज कसा, जिसके बाद अब मीका सिंह ने एक यूनिक कैंपेन चलाने का सोचा है। आखिर क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। #KRKkutta और इस गाने को बहुत जल्दी मैं रिलीज कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मस्त गाना है। आई एम श्योर कि जो KRK है इज ए नंबर वन क्रिटिक्स जो अपने आप को बोलता है, और इस गाने को भी वो 5 स्टार देगा या 1/2 स्टार देगा या 1 स्टार देगा, बिकॉज गाना इज माइंड ब्लोइंग। म्यूजिक के कैसे है, एज यू नो मेरे गाने पिछले 22 साल से सुपर हिट जाते हैं, तो उसके बारे में वो ज़्यादा बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो अगर अच्छा क्रिटिक्स है तो गाने के लिए अच्छे शब्द बोलेगा, अगर गाना उसको अच्छा लगेगा। एंड दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ भाई, इतना क्यों डर रहा है यार, इतना भी क्या मैं कुछ कहने वाला थोड़ी हूँ तुम्हें। तूने अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया यार, मैं ना तेरे ट्वीट देख सकता हूँ ना मैं ट्वीट कर सकता हूँ। मैं तो छोड़ो कोई भी ट्वीट नहीं कर सकता, सारे जो लोग निराश है कि यार ऐसा क्या कर दिया मीका सिंह ने कि आपने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड पर महिला से गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसके बाद अब इस केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बॉडीगार्ड के खिलाफ केस दर्ज करने वाली महिला ने बताया है कि बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े ने उनके साथ धोखाधड़ी भी की है। महिला का आरोप है कि कुमार हेगड़े ने उनसे 50,000 रुपए भी लिए थे जो वापस नहीं किए हैं। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी फिल्म शेरनी का टीजर आज रिलीज कर दिया है। फिल्म के दमदार टीजर में विद्या बालन कहती है कि जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर 2 जून को रिलीज होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा पर फर्जी आई कार्ड दिखाकर स्वास्थ्य कर्मियों की हक की वैक्सीन लगवाने का आरोप लगा है। मीरा ने वैक्सीन लगवाने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर की थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया तो उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था। इसके बाद अब भाजपा ने मीरा के छानबीन की मांग की तो उन्होंने ट्वीट करके उन्हें खरी खोटी सुनाई है। डालिए उन ट्वीट पर एक नज़र। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों दिलों को जीत चुके हैं। उनका हर डायलॉग उनके फैंस को याद रहता है। मतलब बिग बी ने बॉलीवुड में 52 इयर्स पूरे कर लिए हैं, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 52 इयर्स, साथ ही पोस्टर बनाने वाले को शुक्रिया कहा है। खबरें थी कि करण जौहर की दोस्ताना 2 और SRK के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म से बाहर होने के बाद कार्तिक के हाथ से आनंद एल राय की भी बड़ी फिल्म छूट गई, जिस पर अब फिल्म मेकर आनंद एल राय ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने कभी कार्तिक आर्यन के साथ कोई फिल्म साइन ही नहीं की थी, ऐसे में उन्हें फिल्म से निकाले जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अमिताभ बच्चन और अर्जुन कपूर के बाद अब अजय देवगन ने जुहू इलाके में नया आलिशान बंगला खरीदा है, वो भी पूरे 60 करोड़ रुपए में। अजय देवगन ने जहां ये नया बंगला खरीदा है, वहीं पास में ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अक्षय कुमार का भी आशियाना है। झारखंड में सड़क पर हाल ही में एक एलियन जैसी आकृति दिखाई दी, जिसे देख एकता कपूर की हालत खराब हो गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और एकता ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया,
वीडियो शेयर करते हुए एकता ने लिखा, ये उन लोगों के लिए बहुत ही डरावना है जो रात को अकेले सोते हैं। हमें मत चले जा रहे हैं। अरे पगली चुड़ैल है लेवल लड़की तो है बे। आगे थोड़ा चल चल चल। बे 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 बे। क्या मत सोचे बे। रिकॉर्ड करके नहीं रिकॉर्ड।